भाई विंग्स वाले अब लोगों की जिंदगी स्मार्ट बना रहे हैं। ये है विंग्स की नई स्मार्ट वॉचेस। विंग्स ने 3 नई लॉन्च किए बट हमारे पास 4 है। ये पहले स्ट्राइव 100 के 2 कलर्स है, ये स्ट्राइव 200 एंड 300 यहाँ आपको मिल जाएगी। गाइज मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए मुझे ये वॉचेस कैसी लगी। सबसे पहले डब्बे की बात की जाए तो सबके डब्बे सेम ही दिखते हैं, बस ऊपर ब्रांडिंग्स का फर्क है एंड थोड़े की हाईलाइट जोन में डिफरेंसेस है वो दिख जाएंगे। जैसे आपको ऊपर ब्रांडिंग मिल रही है यहाँ की हाईलाइट से, पीछे कुछ आपको ऐप आपके बारकोड्स मिल जाते हैं। डब्बा खोला, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाती है, चार्जर मिल जाता है एंड एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। यही सेम सामान आपको सारी ही वॉचेस में मिलेगा बट ऑफ कोर्स मैनुअल्स अलग रहेगी। किसी का स्ट्राइव 100 का मैनुअल रहेगा, किसी का 200, किसी का 300 का मैनुअल रहेगा बट सामग्री एक ही है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए छोटा भीम से। ये है स्ट्राइव 100, ये सबसे सस्ती वाली स्मार्ट वॉच है और आप देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक वास्टिक बिल्ड दिया है, सिंगल बटन डिजाइन दिया है। यहाँ पे 1.4 इंचेस का डिस्प्ले है जो बेसिकली एक IPS TFT पैनल है। वॉच का क्वालिटी ठीक ठाक है क्योंकि ये सिर्फ 1500 रुपए में लॉन्च की गई है एंड दिखने में काफी डिसेंट लगती है। ये स्ट्रैप 20mm का है, स्ट्रैप का क्वालिटी भी आप देखोगे तो स्ट्रैप का क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा, सिलिकॉन स्ट्रैप से आपको इशू होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर नहीं मिलता है क्योंकि ये काफी सस्ती वॉच है। उसके बाद आती है स्ट्राइव 200, ये वॉच लॉन्च की है 2000 रुपए के प्राइस में एंड यहाँ भी आपको प्लास्टिक मिलता है बट ये वॉच आप देख सकते हो काफी पतली है। यहाँ पे 1.7 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिलता है जो काफी अच्छी क्वालिटी का है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। वॉच दिखने में अच्छी लगती है, यहाँ पे भी 20mm का सिलिकॉन स्ट्रैप है एंड इसका वेट इज अराउंड 40 grams। ये वॉच का स्ट्रैप सच बताओ तो मुझे दिखने में काफी अच्छा लगा है। ये वाली स्ट्राइव 100 अप्रोक्सीमेटली आपको 35 grams के आसपास का वेट मिलता है। एंड फाइनली सबसे बड़ा भाई, ये है कॉलिंग वॉच स्ट्राइव 300। यहाँ पे आपको कॉलिंग फीचर दिया है विंग्स ने एंड इसका डिस्प्ले भी 1.7 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिल जाएगा। ब्राइटनेस मुझे तीनों में इसकी थोड़ी सी ज्यादा लगी बाकी दो वॉचेस से। डिस्प्ले का क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे अच्छा लगा एंड यहाँ पे भी 20mm का स्ट्रैप मिलता है एंड ये पूरा मेटालिक डिजाइन मिलता है। बाकी दो वॉचेस प्लास्टिक है, ये वाली मेटल है। यहाँ पे मेटल है यार, नीचे प्लास्टिक यूज किया गया है। दिखने में ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा ये प्रीमियम है एंड वेट में भी तीनों में आपको इसका वेट फील होगा क्योंकि ये 50 grams के आसपास का वेट है। ऑफ कोर्स ये मेटल है एंड थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात, स्ट्राइव 100 एंड 200 IP68 मिलती है, उसी जगह स्ट्राइव 300 IP67 मिलती है। मेरे हिसाब से इसको भी IP68 रहना था। स्ट्राइव 300 में यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है एंड दूसरी साइड यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्ट्राइव 300 में भी डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर नहीं है। ये वॉच 2800 रुपए की है, इसमें कॉलिंग फीचर दिया है जिसके कारण डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर नहीं दिया गया है। ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। रेस टू एक तीनों ही वॉचेस का अच्छा है, स्ट्राइव 100 का थोड़ा सा स्लो है। अब बात कर लिया जाए भाई सेंसर्स की। मैंने बताया स्ट्राइव 100 एंड 300 यहाँ डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर्स नहीं है क्योंकि 100 सस्ती वॉच है एंड 300 आपको ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है, इसलिए थोड़ा सा SPO2 पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। 200 अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे रेड लाइट सेंसर भी है, ग्रीन लाइट सेंसर भी है, सब कुछ है बेसिकली। यहाँ पे SPO2 की रीडिंग्स काफी एक्यूरेट है, पल्स ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया 0-2% का डिफरेंस। हार्ट रेट तीनों ही वॉचेस में काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये तीनों वॉचेस टेबल पे और हवा में फालतू रीडिंग्स नहीं देती है आपको एंड यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग भी तीनों वॉचेस का अच्छा है एंड 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आपको इन तीनों वॉचेस में मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी ये वॉचेस दे देती है। तीनों की ब्राइटनेस लेवल्स काफी डिसेंट आपको देखने को मिलेगी बट मुझे ऐसा लगा ये जो 300 है इसका डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाता है बाकी दोनों से। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, इसका भी ब्राइटनेस अच्छा है। इसका जो ब्राइटनेस है आपको थोड़ा सा शेड लेना पड़ेगा आउटडोर में, तब जाके आपको ये डिस्प्ले दिखेगा क्योंकि बजट है, आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस मिलेंगे ही। यहाँ पे स्ट्राइव 100 एंड 200 में आपको 12 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। बाकी अगर स्ट्राइव 300 की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 7 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगा है 7 स्पोर्ट्स थोड़े से कम है और थोड़े से ज्यादा रहते थे थोड़ा सा बेटर रहता था। भाई स्ट्राइव 300 का जो डिस्प्ले है मुझे ऐसा लगा फॉर द प्राइस सही में काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले दिखा मुझे। ये जो ब्लैक्स है काफी डीप है, जो कलर्स है काफी ज्यादा पॉप होकर आते हैं। ऐसा डिस्प्ले जनरली हमें इतने कम प्राइस ब्रैकेट में नहीं देखने को मिलता है। इन तीनों ही वॉचेस का UI आपको काफी स्मूथ मिल जाएगा, मुझे ऐसे UI में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। यहाँ आप देख सकते हो काफी स्मूथ है यहाँ पे UI, ऊपर से नीचे हल्के से आपको जिटर दिखेंगे बट वो इतना कोई ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हो काफी अच्छी स्मूथनेस हमें देखने मिल जा रही है। उसी जगह बाकी दो वॉचेस में भी मुझे UI काफी ज्यादा ही स्मूथ मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जनरली हमें बजट में स्मूथ UI देखने नहीं मिलता है बट विंग्स ने इन तीनों ही वॉचेस में काफी अच्छा UI दिया है। बहुत ज्यादा फीचर रिच नहीं है बट आपके बेसिक फंक्शनैलिटीज को नेल कर रहा है, प्लस आपको थोड़ी सी एफिशिएंसी मिल जा रही है। एक छोटा सा मैंने माइक एंड स्पीकर टेस्ट बनाया है ये स्ट्राइव 300 का, ये सुनो। चलो
राइट, ऐसा कुछ स्पीकर क्वालिटी मिलता है आपको विंग्स की नई स्ट्राइव 300 स्मार्ट वॉच का, आपको उसको सुन के पता चल जाएगा कि आपको इस वॉच में स्पीकर क्वालिटी कैसी मिलती है। हाँ तो कैफ भैया की आवाज आपने बहुत सुन ली, अब थोड़ी मेरी भी आवाज सुन लो। तो ये है माइक टेस्ट विंग्स की कॉलिंग वॉच ड्राइव 300 का। इस ऑडियो क्वालिटी को सुनकर आप खुद जज कर सकते हो कि इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी मिलेगी। विंग्स ने इन तीनों की बैटरी लाइफ क्लेम की है 10 days, ड्राइव 100 एंड 200 ये दोनों वॉचेस में मुझे ऐसा लगा अराउंड 3 to 4 days की बैटरी लाइफ मिल जा रही थी विद 24-hour हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन एंड रेस टू वेक ऑन। उसी की जगह ड्राइव 300 क्योंकि ये कॉलिंग वॉच है इसलिए मुझे ऐसा लगा दिस इज अराउंड 2 to 2.5 days ऑफ बैटरी लाइफ, जो डिसेंट है फॉर अ कॉलिंग वॉच एंड आपको इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सो फाइनली कंक्लूजन, ड्राइव 100 लॉन्च होगी 1500 रुपए में, ड्राइव 200 होगी लॉन्च 2000 रुपए में एंड ड्राइव 300 लॉन्च होगी 2800 रुपए के आसपास। एंड तीनों फॉर द प्राइस काफी ज्यादा अच्छी वॉचेस है। अगर आप एक बिगनर हो या छोटे हाथ है एकदम फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई स्ट्राइव 100। सिर्फ 500 रुपए ज्यादा डालोगे जो मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो है स्ट्राइव 200। काफी अच्छी वॉच है, सारे सेंसर्स अवेलेबल है, आपको सारी चीजें मिल जाती है सिर्फ 2000 के प्राइस ब्रैकेट में। एंड अगर आपको एक अच्छी कॉलिंग वॉच चाहिए सस्ते में देन आप डेफिनेटली स्ट्राइव 300 ले सकते हो। तो भाई आपको इनमें से कोई भी वॉच बाय करनी है मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।